वेलकम दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की अगली क्लास, जिसमें कि हमें पढ़ना है। मैंने लास्ट टाइम आपको जो पढ़ाया, पहले पर्वत पढ़ाए थे, उसके बाद जो मैंने आपको पर्वतों के प्रकार पढ़ाए, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं शैल क्या होते हैं, ठीक है ना। शैल दरअसल जो हमारा मेंटल है, उससे जब किसी तरह से दरारें पड़ जाती हैं उसमें, और लावा पिघल के ऊपर की तरफ पृथ्वी की तरफ जो बहने लगता है तरंगों द्वारा, तो ऊपर आने के बाद जब वो जम जाता है, अगर वो अंदर के दरारों में जम जाए और भूपर पट्टी से बाहर निकलने की जगह ना मिले, तो उन्हें आंतरिक शैल बोलते हैं, और वो अगर बाहर निकल आए तो उन्हें बाह्य शैल बोलते हैं। तो शैल मतलब रॉक, मतलब पत्थर, ठीक है। ये दोनों तरह के हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि शैल कठोर ही हो, शैल मुलायम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कि शैल कितने प्रकार के होते हैं। तो शैल तीन प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, कायांतरित शैल और अवसादी शैल। दरअसल शैलों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है उसे पेट्रोलॉजी बोलते हैं। पेपर पेन ले लीजिए, लिख लीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। शैलों का अध्ययन किस विज्ञान के अंदर किया जाता है, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है कि आग्नेय शैल क्या होते हैं। तो आग्नेय शैल आंतरिक आग्नेय, बाह्य आग्नेय ये होते हैं। तो होता ये कि आंतरिक आग्नेय, मैंने आपको बताया कि जब मैग्मा पिघल के ऊपर आ रहा होता है और भूपर पट्टी से बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती और आंतरिक दरारों में भर के जम जाते, ठंडा हो जाता है, तो आग्नेय शैल कहलाते हैं वो। जैसे ग्रेफाइट है आपका, ग्रेनाइट है, सिल है, डाइक है, ठीक है। ये हो गया आपका आग्नेय शैल आंतरिक। अब बाह्य आग्नेय शैल क्या होते हैं। जब मैग्मा पिघल के बाहर निकल आता है तो बाहर निकले हुए मैग्मा को लावा बोलते हैं, और लावा ठंडा होकर जम जाता है, और जब वो जम जाता है तो वो जो रूप होता है ना उसका, उसे बोलते हैं बाह्य आग्नेय शैल। जैसे बसाल्ट पत्थर, जो दक्कन का पठार है वो बसाल्ट पत्थर का बना हुआ है, और बसाल्ट पत्थर बाह्य आग्नेय शैल कहलाते हैं। अब होता यह है कि आग्नेय शैलों को ना पृथ्वी की गहराई के हिसाब से ना ये तीन तरह से बांटा गया है। एक तो पातालीय, एक हाइफ, एक ज्वालामुखी। पातालीय मतलब यह है कि जो धरती के नीचे हो, हाइफ मतलब जो धरती के बिल्कुल मध्य में हो, ज्वालामुखी मतलब जहां मैग्मा होता है वहां से आग्नेय शैल। ये गहराई के आधार पर है, ठीक है। अब अवसादी शैल क्या होते हैं। अब साथ में मतलब समझ लीजिए कि जो निक्षेपण हो जाता है छोटे छोटे पत्थरों का, पहाड़ों का और कणों का, वो छोटे छोटे निक्षेपण होके टूट के बिखर के और हवा द्वारा कहीं भी एक जगह ले जाके इकट्ठे कर दिए जाते हैं, और इकट्ठे होने के बावजूद उन पे लगातार वर्षों तक परतें जमती रहती हैं, और उनसे वो एक प्रकार के शैल के रूप में जम जाते हैं, उन्हें अवसादी शैल बोला जाता है या परतदार शैल बोला जाता है, ठीक है ना। अब उन्हीं को जीवाश्म शैल भी बोलते हैं। जीवाश्म शैल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जैविक और एक अजैविक, ठीक है ना। तो इससे आगे शुरू करते हैं, क्या है कि यांत्रिक रूप से निर्मित शैल। यांत्रिक रूप में जैसे बलुआ पत्थर है, हमने तोड़ दिया, पिंड शिला है, ठीक है ना। उसके बाद होते हैं कार्बनिक शैल, या जिनको जैविक शैल के रूप में कहते हैं, तो वो है खड़िया है, चूना पत्थर है, कोयला है, ठीक है। अब आए कायांतरित शैल, वो अवसादी शैल जो जमते 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 बहुत समय के बाद अपना रूप बदल के कठोर रूप में आ जाते हैं, तो उन्हें कायांतरित शैल बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पहले नंबर कायांतरसाइट कोयला है वो कायांतरित या रूपांतरित शैल का एक प्रकार है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि उन्हें कायांतरित शैल बोला गया है। जो अवसादी शैल यानी परतदार शैल जो थे, जो पृथ्वी की मौसमी घटनाओं के साथ परतों के नीचे दबते दबते और एक शैल का रूप ले लेते हैं, तो कायांतरित शैल, और वो भी लगातार दाब और ताप के कारण दबते दबते कठोर हो जाते हैं, तो कायांतरित रूपांतरित शैल कहलाते हैं। अब कौन कौन से शैल किस किस रूप में बदलते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि चूना पत्थर डोलोमाइट जब कायांतरित रूप बदलता है तो संगमरमर बन जाता है। ग्रेनाइट और सिलिका जब इसका प्रेशर से, ताप और दाब से, पृथ्वी के से इसका रूप कायांतरित होता है तो नीस या नाइस बन जाता है। और जो सेल है वो स्लेट या ये सीस्ट बन जाती है। और बलुआ पत्थर दबने के बाद क्वार्ट्ज या हरा सीस्ट बन जाता है। और कोयला मैंने बताया भी एंथ्रेसाइट, तो जो आपका ये कायांतरित कोयला होता है यानी बिटुमिनस जो होता है वो बदलते बदलते वर्षों बाद एंथ्रेसाइट कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये है हमारी शैलें, ठीक है। एक चीज है हमारी अपक्षय के कारण। तो अपक्षय के कारण जो है, जो शैलें तीन प्रकार से अपक्षय होता है इनमें, एक तो रासायनिक क्रिया से, एक भौतिक क्रिया से और एक जैविक क्रिया से। तो जो रासायनिक क्रिया है ना वो
उससे शैलों में जो अपक्षय होता है, अपक्षय मतलब घिसाव, घटना मतलब टूटना, उस अपक्षण को उसे कहते हैं कार्बनीकरण और जलयोजन। ये दो प्रक्रियाएं हैं रासायनिक जिनसे अपक्षय होता है शैलों में। अच्छा, शैलों के लिए इतना सफिशिएंट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा शैलों में। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं वायुमंडल। तो पृथ्वी पे 29,000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल डिफाइंड है, बताया गया है कि 29,000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल है। अब होता यह है कि वायुमंडल जब ऊष्मा लेता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूप से लेता है। तो जब प्रत्यक्ष रूप से ऊष्मा लेता है वो तो लेता है पृथ्वी से, और अप्रत्यक्ष रूप से ऊष्मा लेता है सूर्य से, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है वो सूर्य से आती है। तो सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब उन्हें परावर्तित करती है तो उन्हें जो हमारा मौसम है या हमारा वायुमंडल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अप्रत्यक्ष था सूर्य और प्रत्यक्ष है पृथ्वी। तो प्रत्यक्ष ऊष्मा किससे लेती है? पृथ्वी से। अब होता यह है कि जो हमारी ये परत है, जो पहली परत है हमारी, ये करीब है करीब 16 किलोमीटर तक है ना। अब होता यह है कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो जो गैसों का घनत्व है, जो घनी गैसें, क्योंकि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रह रहे हैं, हम सांस लेते हैं 16 किलोमीटर तक का, इसमें ना बहुत ज्यादा सघनता है, तो इसमें अधिक ऊष्मा अवशोषित हो जाती है और यही मौसम गर्म या ठंडा होता है। अब जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ चलते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर गैसों की सघनता कम है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उतने गैसों की सघनता कम होगी, स्पेस होगा गैसों में, तो इसलिए ऊपर जाते वक्त मौसम ठंडा हो जाता है, जिस कारण से पहाड़ों पर जाने से हमें मौसम ठंडा है, सर्दी महसूस होती है। ठीक है, अगला है कि बादलों वाली रातें गर्म क्यों होती हैं। दरअसल होता यह है कि जब दिन में बादल होते हैं तो बादलों से मौसम ठंडा रहता है और दिन भर सूर्य निकला रहता है, और सूर्य निकले रहने के कारण जो ऊष्मा पृथ्वी पर आती है उसे पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद जब शाम को विकिरण मतलब वापस ऊष्मा परावर्तित करती है तो वायुमंडल उसे सोख लेता है, और वो बादल उस वक्त एक लेयर का काम करते हैं जो उस ऊष्मा को उस वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देते, जिस कारण से बादलों वाली रातें गर्म हो जाती हैं। ठीक है, इसका एक कारण ये है। अब है ये कि नियॉन, हीलियम, मैथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, ये ऐसी गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला, मृदा की उर्वरता के लिए जो में सबसे आवश्यक तत्व है वो नाइट्रोजन है, इसलिए हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें 40% नाइट्रोजन मिलती है। तो यूरिया एक हमारा उर्वरक है जो हम अक्सर खेतों में डालने काम करते हैं। यूरिया आपने सुना होगा, सब लोग अब इस्तेमाल करते हैं यूरिया, उसमें 46% ये नाइट्रोजन होती है, इसलिए हम यूरिया लगाते हैं क्योंकि यूरिया हमारे मृदा के लिए एक उपजाऊ और पोषक तत्व है। अच्छा, अगला है कि दालों की जड़ों में ना एक जीव मिलता है जिसे बोलते हैं लेगुमिनियस राइबोसियम, है ना, तो सॉरी राइजोबियम। तो इसका काम ये होता है कि जो हवा में नाइट्रोजन होती है ना उसे एब्जॉर्ब करके नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है ताकि दालों को मतलब पोषण मिल सके भरपूर। तो इसका काम ये होता है, सवाल होता है कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जो दालों की जड़ों में पाया जाता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, तो इसका नाम है लेगुमिनियस राइजोबियम। ठीक है, अच्छा, अगला है कि CO2, मैथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीन गैसें हरित प्रभाव गैसें हैं जो हमारे ग्रह, हमारा ग्रह हरित ग्रह कहलाता है, और इसकी हरियाली को नुकसान पहुंचाती हैं जिससे हमारे मौसम में स्थिति बिगड़ रही है, गर्मी अधिक हो रही है, सर्दी कम हो रही है, मौसम व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहा है। उसका जो मुख्य कारण है ये तीनों गैसें CO2, मैथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इनका मतलब जो है अगर संकुचन हो जाए, संकुचन कहते अगर इनका रुकाव हो जाए, कम हो जाए किसी तरह से, इनका संतुलन हो जाए तो हमारा मौसम या हमारे यहाँ का जो वायुमंडल है वो शायद बेहतर हो सकेगा। ठीक है, अगला क्षोभ मंडल। पहला दरअसल हमारा जो ये है ना वायुमंडल, इसे 5 लेयर्स में बांटा गया है, जिसमें पहली लेयर कहलाती है क्षोभ मंडल। तो इसकी जो ऊंचाई है वो पृथ्वी तल से 16 किलोमीटर तक है, और ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक मापी गई है। ठीक है, और होता यह है कि जब हम पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से तापमान में कमी आती है, इसे हम सामान्य ह्रास दर, सामान्य ऊष्मा ह्रास दर बोलते हैं। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान घटता है हमारे क्षोभ मंडल में। ठीक है, और जलवायु और मौसम आदि की जो घटनाएं होती है, क्रियाएं जो होती हैं, जलवायु और मौसम की क्रियाएं, गर्म होना ठंडा होना, वो सब इसी के अंदर होता है।
जलवायु बहुत ठंडी है तो वो इसी के अंदर होगी, मौसम गर्म है किसी वजह से या कोई हवाएं गर्म है तो सब इसी की वजह से होती है, ठीक है, इसी इसी क्षोभ मंडल में ही होती है। अच्छा अगला है समताप मंडल, जैसे कि नाम कह रहा है समान ताप वाला मंडल अर्थात समताप मंडल। तो इसके अंदर एक स्थिति है कि कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर तो इसमें समान रहता है तापमान, सेम, कोई टेम्परेचर में अंतर नहीं आता, लेकिन अगर उसके बाद ऊपर जाए तो उसके ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, घटता नहीं है। दिखाया प्रारंभ में तापमान समान रहता है फिर बाद में बढ़ने लगता है, और इसी में 30 से 50 किलोमीटर के बीच, क्योंकि समताप मंडल हमारा 1650 किलोमीटर है, 16 से 50 किलोमीटर के बीच आता है, तो इसी समताप मंडल के अंतर्गत 30 से 50 किलोमीटर के बीच हमारी जो ओजोन परत है जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है बाहर से आने से, सूर्य की किरणों को रोकती है, वो इसी मंडल में पाई जाती है। और ओजोन को नापने के लिए जो एक इकाई है उसे डॉब्सन बोलते हैं, ठीक है। सवाल आता है कि ओजोन परत को जो नापा जाता है उसकी मोटाई किससे नापी जाती है, तो डॉब्सन से, ठीक है। और जो हमारे जहाज उड़ते हैं ना, जितने भी एरोप्लेन उड़ते हैं, एरोप्लेन इसी लेयर में, इसी लेयर के अंतर्गत उड़ते हैं, और जो बादल हैं और अन्य मौसमी घटनाएं हैं वो भी इसी लेयर के अंतर्गत सभी होती हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा मध्यमंडल, तो मध्यमंडल है हमारा 50 से 80 किलोमीटर तक। इसमें बस इतना पूछा जाता है कि मध्यमंडल कितने से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे है, तो 50 से 80 किलोमीटर है। अगला है हमारा आयन मंडल, तो आयन मंडल जो हमारा है वो 80 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा आयन मंडल है। और इसकी खास बात यह कि इसमें गैसें आयनित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जब आयनित हो जाती हैं तो रेडियो तरंगों को चलने के लिए बड़ा सही है, अनुकूल है ये मंडल। तो हमारे जितने भी रेडियो तरंगों का विक्षेपण होता है वो इसी मंडल में होता है, ताकि रेडियो तरंग बिना आबाद संचरण के संचरण कर सके और जहां जाना वहां तक उन्हें पहुंचाया जा सके। तो रेडियो तरंगों के लिए सबसे उपयुक्त जो मंडल है वो आयन मंडल है, ठीक है। यही सवाल आता है रेडियो तरंग किस मंडल में चलती है, आयन मंडल में। आयन मंडल कहां से कहां तक ऊंचाई तक है, तो 80 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल माना जाता है। अब लास्ट में हमारा रह गया एक बहिर्मंडल, जो कि 600 किलोमीटर से लेके और 36,000 किलोमीटर तक इसको बहिर्मंडल कहा जाता है। और जितने भी हमारे उपग्रह होते हैं पृथ्वी से भेजे जाने वाले, वो कृत्रिम सैटेलाइट जिन्हें हम भेजते हैं, वो बहिर्मंडल में ही होते हैं और इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये था हमारा भूगोल का आज का चैप्टर, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो थी शैल और एक था हमारा वायुमंडल। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए दोबारा से, बहुत काम का टॉपिक है, हर जगह आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।